स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल HVAC सत्या में। और आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं विच रेफ्रिजरेंट यूज इन चिलर प्लांट। सो एक दोस्त ने कमेंट करके पूछा था कि सर कौन सी रेफ्रिजरेंट हम यूज करते हैं चिलर प्लांट में, तो आपको ये बताने वाले हैं और क्यों उसे यूज करते हैं ये भी बताने वाले हैं। उसके अलावा और कौन कौन सी यूज कर सकते हैं ये भी बताने वाले हैं। उसके अलावा TDS, PH और हार्डनेस के बारे में भी बताने वाले हैं। अगर वीडियो लंबी हो जाए तो कोई बात नहीं, पर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आजकल के चिलर प्लांटों में सबसे ज्यादा जो यूज की जाती है गैस, जो रेफ्रिजरेंट होती है वो गैस होती है, गैस फॉर्म में होती है, चेंज होती रहती है, लिक्विड में भी और गैस में भी कन्वर्ट होती रहती है। तो उसका नाम है R134a। मैन ये यूज करी जाती है हर जगह पे आजकल, बिकॉज इसके कुछ कारण हैं, इसके कुछ एडवांटेज हैं, इसलिए हम सिर्फ इसी रेफ्रिजरेंट को, इसी गैस को यूज करते हैं। तो इसका केमिकल नेम मैं आपको बता देता हूं, टेट्राफ्लोरोइथेन, R134a इसका शॉर्ट नेम है। इसका केमिकल नेम है टेट्राफ्लोरोइथेन। इसके अलावा हम कौन कौन सी गैस यूज कर सकते हैं, R22 एसी में यूज की जाती है, R410a और R134, और भी बहुत सारी हैं, पर हम R134a ही क्यों यूज करते हैं? तो मैं आपको बता दूं, जो ओजोन परत है उसके लिए ये बहुत ही लाभदायक है। बाकी जो गैस है वो ओजोन परत के लिए क्षति पहुंचाती है, उसे नुकसान पहुंचाती है, पर ये गैस उसके लिए ग्लोबल वार्मिंग के लिए ये बहुत अच्छी गैस है और इससे ओजोन परत के लिए कोई खतरा नहीं है। इसलिए हम R134a टेट्राफ्लोरोइथेन यूज करते हैं। उसके अलावा एक और मेन इसका जो कारण है वो है कि ये बहुत ज्यादा ठंडी गैस होती है और बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट बोले तो क्वथनांक, आई थिंक आपने पढ़ा ही होगा केमिस्ट्री में, क्वथनांक जो होता है बॉइलिंग पॉइंट यानी कि इसके उबाल भरने की जो होती है, तो वो -26 डिग्री। सोचिए -26 डिग्री पर ये उबाल लेने लगती है, तो कितनी ज्यादा ठंडी है, मतलब सोच सकते हो आप, बहुत ज्यादा ठंडी गैस होती है। -26 डिग्री पे ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है, उबलने लगती है। और उसके अलावा कूलिंग टावर और चिलर प्लांट के वाटर का पीपीएम करते हैं, उनका टीडीएस, पीएच और हार्डनेस चेक करते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि TDS होता क्या है, हार्डनेस होती क्या है और pH होता क्या है। तो हार्डनेस क्या होती है, हार्डनेस का मतलब होता है जटिलता, कठोरता। तो ये क्या होती है, ये अपने वाटर के अंदर मैग्नीशियम Mg और कैल्शियम Ca की मात्रा जो होती है वो हार्डनेस कहलाती है। किसी भी वाटर के अंदर मैग्नीशियम और कैल्शियम की मात्रा हार्डनेस कहलाती है। TDS क्या होता है, टोटल डिसॉल्व सॉल्यूशन, उसके अंदर मिट्टी, धूल, जो भी है, टोटल सारा कुछ मिला के जितने भी उसके अंदर सॉल्यूशन पाया जाता है उसे कहते हैं TDS। pH क्या होता है, pH होती है एसिड और बेस, बेसिक की वॉल्यूम यानी अम्ल और क्षार की वॉल्यूम, वो कहलाती है pH, टोटल डिसॉल्व यूनिट TDS, और मैग्नीशियम और कैल्शियम की वॉल्यूम क्या कहलाती है, हार्डनेस। तो मैं आपको बता देता हूं कि pH अगर कम ज्यादा होगा तो कितना, पीने वाले पानी के लिए TDS यानी pH अपना 7 होना चाहिए, 7 से 8 होना चाहिए। इससे जैसे हमारा चिल्ड वाटर है उसका 7 होना चाहिए, तो 7 से अगर डाउन जाएगा तो जो लोहे की पाइप होती है उस पे जमना शुरू कर देगा वो, और अगर उससे ऊपर जाएगा तो वो उस पाइप को काटना शुरू कर देगा,
इसलिए इसका जो स्टैंड रखा गया है 7 से 8 के बीच में रखा गया है, इतना ही होता है। और उसके अलावा एक और मेन क्वेश्चन था कि कूलिंग टावर में कौन सा केमिकल यूज करते हैं। तो कूलिंग टावर में जो केमिकल यूज करते हैं वो अलग अलग साइट पे अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग नाम हो सकते हैं। मैं आपको नाम भी बता दे रहा हूं, एक साइट पे इन्विएटर ए, इन्विएटर बी, ये नाम से था। जो मेकअप टैंक होता है उसमें C100 नाम का केमिकल पड़ता है, वो उस पर स्केल नहीं जमने देता है। स्केल बोले तो जो पाइप के ऊपर काई भी जिसे बोलते हैं, काई या पानी के ऊपर आपने परत देखी होगी, काई बोलते हैं, स्केल बोलते हैं, जो भी आप समझो उसे। तो उसके लिए C100 डालते हैं मेकअप टैंक में, और कूलिंग टावर में इन्विएटर ए, इन्विएटर बी, पीएच एडजस्टर भी डालते हैं, और अलग अलग कंपनियों के अलग अलग नाम से भी होते हैं।